वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए पार्ट स्टार्ट करते हैं, आई थिंक पार्ट 14। हाँ, तो जैसे कि हमने देखा था तेंग वहाँ से चला जाता है और उसके बाद फिर ना वो सारे कुकिंग कर लेता है। कुछ टाइम बाद ना जो यूंगी होता है वो ना ऐसे आता है ऊपर अपने रूम में और फिर तेंग को कहते हैं कि ना तेंग लंच रेडी हो गया, आके कर लो, ये बोलते हैं। और फिर ना वहाँ से जाने लगते, तो फिर ना जो जंकू तेंग होता है उसका ना हाथ खींचता है, उसको ना बिल्कुल अपने रूम में ना खींच लेता है, उसको ना वॉल पे पुश करके ना उसके बिल्कुल अराउंड है अपने हाथों को रखे। कहते हैं कि ना तुम ब्रदर इन लॉ के साथ आजकल किस उसमें हो, हाँ तुम उनके पीछे क्यों पड़े हुए हो। तो फिर ना कहते कि ना तुम्हें इससे क्या, तुम अपने काम से काम रखो। तुमने वेडिंग नाइट वाले दिन भी कहा था कि हम दोनों एक दूसरे के पर्सनल लाइफ में नहीं बोलेंगे, तो तुम अब तुम्हें इतना मसला क्यों रहा। तो फिर ना जो तेरा मतलब वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ना तुम मेरी पर्सनल लाइफ में नहीं बल्कि मेरे ब्रदर और मेरे ब्रदर इन लॉ की पर्सनल लाइफ में एंटर कर रहे हो, तो वर्ड मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता। तो फिर कहते हैं ना क्यों तेरा अपने काम से काम रखो, मेरे काम वो मेरा है, जीवन सिर्फ और सिर्फ मेरा है, तो अच्छा यही होगा कि तुम मुझसे दूर हो। ये बोलते हैं उसको ना धक्का देके ना वहाँ से चल जाते हैं। और जो तेंग होता है ना गुस्से में ना फ्रस्ट्रेशन में ना अपने बाल खींचता और फिर ना मुंह बना के ना नीचे आता है और फिर ना वो ना जीवन की तरफ देखता है। और जो जीवन होता है ना उसको स्माइल पास कर रहा था, तो वो ना जीवन को ना अपसेट नहीं करना चाहता, तो वो भी उसको स्माइल करता है। और फिर ना दोनों फिर वो सारे बैठ के ना अपना ना लंच वगैरह करते हैं। और फिर ना इस तरह ना डेज मीन्स 2 मंथ्स गुजर जाते हैं। और अब जो जीवन था वो ना काफ़ी ज़्यादा ना जीवन यूंगी नामजुन के साथ नहीं रहता था, मीन्स उसे ना अवॉइड करता था, उसके पास नहीं जाता था। और जो नामजुन था वो भी ना अब ना उसका मूड चेंज होने लगा था, मीन्स वो भी जीवन के साथ ज़्यादा नहीं रहता था, ज़्यादा रहता ही नहीं था, मीन्स ना ही वो और ना बताए वो उसको कुछ काम बोलता था, ना उससे ज़्यादा बातें करता था, क्योंकि आजकल ना जो जिन था उसका ना मूड सही हो गया था। मीन्स नाम जिन है ना उसको सारी चीज़ें समझा दी थी। एक्चुअली वो जो जिस बिजनेस ट्रिप पे गया था जो 1 मंथ के लिए थे, तो वो ना बिजनेस ट्रिप तो उसके सिर्फ 1 दिन के लिए था, तो बाकी ना वो सारा टाइम ना जिन जो जिन के साथ गुजारता है, उसको ना मनाने में सारे ना चीज़ें उसको बताता है कि वो उससे प्यार नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ जिन से प्यार नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ जिन से प्यार करता है, सारी बातें उसको क्लियर कर लेता। और जो जिसे जिन भी ना मान लेता और वो कहते कि ना उससे दूर रहना, अब तुम उसके पास नहीं जाओगे, तो ना नामजुन भी बहुत अच्छे से ना ये बात मान लेता है, तो कहता ओके मुझे इस चीज़ से कोई मसला नहीं। तो फिर ना इस वजह से ना वो अब नामजुन ना बिल्कुल उसको इग्नोर करता था। और इधर हम देखते हैं हमारे यूनमेन का दोनों का सीन, जहाँ पे हमारे तेंग और ना यूंगी के बीच में बिल्कुल नहीं बदला था। वो ना काफ़ी दफ़ा उनकी ना आर्ग्यू हो जाती थी इसी बात को लेके कि ना तेंग कई दफ़ा कह देता था कि ना तुम ना ब्रदर इन लॉ से दूर हो, मीन्स जिमिन से दूर हो, और ना जो यूंगी होता है वो कहते कि ना वो तुम वो सिर्फ और सिर्फ मेरा, तो अच्छा ये होगा कि तुम अपने फालतू की बकवास बंद करो। इतना करके ना उनकी काफ़ी ज़्यादा ना बहस हो जाती थी, मीन्स दोनों की ना फाइट हो जाती, आर्ग्यू होना स्टार्ट हो जाता था। और ना इधर हम देखते हैं हमारे जीवन को, और जो कि ना काफ़ी टाइम मीन्स 1 वीक से ना उसको काफ़ी ज़्यादा सिकनेस से फील हो रही है। और इधर सेम हाल ना यूंगी का भी है, दोनों को ना काफ़ी ज़्यादा सिकनेस सा ऐसे सिक सा फील हो रहा है, मीन्स जो भी वो कुछ खाने लगते हैं ये चीज़ें तेंग भी नोटिस करते हैं। और ना नामजुन भी, मीन्स वो जब भी ब्रेकफास्ट करते थे तो ना चारों इकट्ठे बैठते थे, और ना जो होते वो था नामजुन और ना ये दोनों ना नोटिस करते कि ना दोनों की तबीयत खराब हुई है। तो ना जो नामजुन था वो तो जिमिन की केयर करता नहीं था, उसको तो वैसे जिमिन पसंद नहीं था, तो उसको ना जिमिन को ना जिमिन के लिए नहीं यूंगी के लिए थोड़ा ना टेंस्ट फील होता है। इधर जो तेंग था उसे तो जूंगी से बिल्कुल कोई मतलब नहीं था, वो तो जिमिन के लिए परेशान था कि जिमिन को क्या हो गया। इधर ये दोनों वो एक दूसरे के लिए परेशान थे कि इन के ना जो जिमिन होता है वो सोच रहे थे कि नहीं यूंगी की इतनी क्यों तबीयत खराब है, इसको क्या हुआ है। और इधर यूंगी का ये हाल होता है कि वो सोच रहे थे जिमिन की तबीयत क्यों खराब है, इसको क्या हुआ है। तो ये सर करके ना फालतू का वो बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई हुई है और फालतू का ना टेंशन बनी हुई है। और फिर ना जो तेंग होता है वो ना
जीवन से पूछते कि ना ब्राजन लाओ कि इतनी तबीयत खराब है, आप डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते हैं। तो फिर ना जो दोनों ना एक दूसरे की तरफ देखते हैं और ना युंगी और ना युंगी और जिमिन। और तो फिर ना जो नाम जो तो कहते हैं हम हाँ युंगी तुम्हारी तबीयत भी खराब है, तुम्हें भी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो फिर कहते हैं हाँ यूंग हम देखेंगे। तो फिर कहते हैं तुम्हें देखना चाहिए ना बाद में कोई बड़ा मसला हो जाए। वो ना बहुत पोलाइटली ना युंगी से बात कर रहा होता है और जो जिमिन होता है वो ना बस चुप करके सुन रहा था, कुछ बोलता नहीं है। उसको ना जिमिन को ना युंगी नाम जो से कोई ज़्यादा कोई मसला वगैरह नहीं था, नहीं था वो उससे दूर रहता था। तो वो भी बस एक ना जैसे कहते हैं ना एक हाउसमेट की तरह रह रहे थे सारे। तो इस तरह करके सिर्फ एक हमारे वो थे युनमिन जो कपल थे, बाकी वो तो बाकी सारे तो आपस में ना एक मेट की तरह है, ऐसे हाउसमेट की तरह रह रहे थे। तो अब हम देखते हैं कि ना जो युंगी होते हैं वो ना सोचता है कुछ देर तक, कुछ टाइम तक सोचता है और फिर ना उनको ना उनके मेकआउट सेक्शंस की याद आती है। और वो अभी भी छुपके छुपके ना रोज़ाना कर लिया, मीन्स जैसे उनका टाइम मिलता था तो वो लवी डवी हो जाते थे और रोज़ाना एक दूसरे के साथ ना अल्टीमेट होने का ट्राई करते थे। और जैसे उनको टाइम मिल जाता था तो वो हो भी जाते थे। तो वो सोचते और कुछ टाइम तक था, जब वो टाइम पीरियड का सोचते तो फिर उसके फेस में ना एक कंफ्यूजन लुक आता है और फिर ना एक ब्राइट स्माइल भी आती है। और वो कुछ देर तक ना वो चीज़ सोचते हो कहते हैं अगर तो ये होगा तो मैं तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाऊँगा। ये सोचते अपने ना ऑफिस में बैठा होता तो ना वो फौरन वहाँ से उठता और फिर ना अपने असिस्टेंट को बुलाता और कहते हैं कि ना जितनी भी मीटिंग्स है उसको कैंसिल कर दो, मुझे अभी जाना है। ये बोल के ना वो वहाँ से ना एक कैब करता है और फिर ना वहाँ से ना चला जाता है और ना मीन्स चला जाता है और ना कैब करता कह रही हूँ अपनी कार लेता है और वहाँ से ना अपने ऑफिस से निकल जाता है। और ये वाला पार्ट मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ। टाटा बाय बाय।